टाटा आईपीएल 2024। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाटा आईपीएल 2024 के बारे में, यहाँ पर कौन विनर बना है, साथ साथ कौन रनर अप रहा, और इसके अलावा में ऑरेंज कैप कौन है, पर्पल कैप कौन है, सबसे ज़्यादा कैचेस कौन पकड़े, और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और यह करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो हो सकता है यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टाटा आईपीएल 2024 के बारे में, तो एक एक करके सारी जानकारी को देखते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच को फाइनल मैच में 8 विकेट से हराकर आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया और तीसरी बार चैंपियन बना। तो दोस्तों केकेआर ने एसआरएच को फाइनल में 8 विकेट से हराया और आईपीएल 2024 का जो खिताब है, जो टाइटल है, वह जीत लिया है, और साथ ही साथ वह थर्ड टाइम आईपीएल का विनर बन गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2024 का जो है आईपीएल, उसको केकेआर के द्वारा जीता गया है और ये तीसरी बार चैंपियन बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके बहुत सारी जानकारियों को। तो इसको स्पॉन्सर्स कौन किया था, तो यह टाटा के द्वारा किया गया था। यह एडिशन कितना था, संस्करण यह 17वां नंबर का संस्करण रहा, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। टोटल टीम जो है यहाँ पे भाग लिए, पार्टिसिपेट की, वह 10 टीम है जो कि भाग लिए थे, और टोटल मैच देखा जाए तो यह 74 मैचेस खेले गए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि टोटल 74 जो है वो मैच खेले गए। और यह कब से शुरू हुआ, तो यह 23 मार्च से लेकर के 26 मई 2024 तक खेला गया, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान सकते हैं। और टोटल जो है इंडिया के, वह 13 शहरों में मैच खेले गए, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि 13 शहरों में पूरी तरीके से यह जो टाटा आईपीएल 2024 वह खेला गया, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं, चेन्नई में ओपनिंग सेरेमनी और फाइनल मैच खेला गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चेन्नई में जो है वह ओपनिंग सेरेमनी भी हुआ और फाइनल मैच जो था वह भी चेन्नई में ही खेला गया, तो ये भी आप लोग यहाँ पे जानकारी को ध्यान रखेंगे। ओपनिंग सेरेमनी 22 मार्च 2024 को M.A. चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ, जिसमें टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, A.R. रहमान, सोनू निगम, मोहित चौहान ने अपनी प्रस्तुति दी। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 22 मार्च को जो है वह M.A. चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ था इसका ओपनिंग सेरेमनी, और इसमें से टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड एक्टर हैं, A.R. रहमान ये भी एक्टर हैं, साथ साथ A.R. रहमान, सोनू निगम और मोहित चौहान जो है वह म्यूजिक से रिलेटेड हैं, तो कोई कंपोजर है और कोई यहाँ पे गायक है, तो इन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी थी। तो ये आप लोग थोड़ा सा जानकारी में ध्यान रखेंगे। फर्स्ट मैच जो है CSK और RCB के बीच M.A. चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया, तो यहीं पर जो है यानी कि चेन्नई में ही पहला मैच CSK और RCB के बीच में खेला गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट्स टेबल के बारे में, जो कि आईपीएल जो 2024 हुआ उसमें पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं। तो पहले नंबर पर जो रहा है वो KKR रहा, वह 14 मैच में 20 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉप पर रहा। तो यह है कि 14 मैच में 20 पॉइंट्स लेकर के KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक नंबर पर रहा। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस MI यह 14 मैच में 8 पॉइंट्स के साथ सबसे अंतिम पायदान पर रहा, यानी कि 10वें नंबर पर रहा मुंबई इंडियंस, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट लाया 14 मैच में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पहला है वह KKR टीम रहा पॉइंट्स टेबल में, और 10वें नंबर पर जो है वह MI रहा, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्लेऑफ्स में पहुँचने वाली टीम कौन कौन रही। तो प्लेऑफ्स में जो पहुँची हुआ है KKR, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और RCB। तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये जो है वह प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमें रहीं, यानी कि टॉप फोर में रहीं। प्लेऑफ जो है वह कहां कहां खेला गया, कब कब, देखिए तो वह क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। क्वालिफायर 2 और फाइनल मैच जो है वह M.A. चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल मैच के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फाइनल मैच के बारे में देखते हैं, तो टॉस जीता SRH यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए SRH ने 113 रन बनाए, 18.3 ओवर में ऑल आउट हो गए, यानी कि 18.3 ओवर में ये 113 रन बना करके ऑल आउट हो गई। बाद में KKR ने 114 रन 2 विकेट पर बनाए 10.3 ओवर में, यह रन को बना करके 8 विकेट से जीत लिया और IPL 2024 का टाइटल अपने नाम किया। तो यहाँ पे 114 रन 2 विकेट पर बना लिए KKR ने 10 ओवर 3 बॉल में और 8 विकेट से जीत गया, साथ ही साथ IPL 2024 का टाइटल का जो है वह अपना नाम कर लिए। फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल मैच में जो है प्लेयर ऑफ द मैच रहे कौन, तो वह रहे मिचेल स्टार्क, जो कि 14 रन देकर के 2 विकेट लिए, तो इसी कारण से इनको मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया फाइनल मैच में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर फाइनल मैच की बात करेंगे तब यहाँ पर मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच रहा मिचेल स्टार्क। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेटिक्स एंड अवार्ड्स के बारे में, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है स्टेटिस्टिक्स एंड अवार्ड्स। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले जो है यहाँ बात कर लेते हैं विनर, तो विनर रहा KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स,
रनर अप जो टीम रही वह SRH रही, सनराइजर्स हैदराबाद, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे ही। इसके अलावा में यहाँ पर ऑरेंज कैप जो है वह विराट कोहली को मिला, जो कि RCB खिलाड़ी हैं। 15 मैचेस में 741 रन, 741 रन बनाए, और यह सबसे ज़्यादा मोस्ट रन्स बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है ऑरेंज कैप, तो यह विराट कोहली को मिला है। 15 मैच में 741 रन बनाए हैं। पर्पल कैप की बात करते हैं तो यह हर्षल पटेल को मिला है, जो कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं। 14 मैच में 24 विकेट, तो यह जो है मोस्ट विकेट्स टेकर जो रहते हैं उनको मिलता है पर्पल कैप, तो यह इस बार का प्राइज मिला है, अवार्ड मिला है हर्षल पटेल को, जो कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं। तो यह टोटल 24 विकेट अपने नाम किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर और थोड़ी सी जानकारी को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो यहाँ पे जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो खिताब रहा वह सुनील नारायण, यानी कि KKR के खिलाड़ी को मिला है सुनील नारायण को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, तो इस सीजन का जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहा हुआ है नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को यह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, तो यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त स्ट्राइकर जो रहा इस सीजन का हुआ रहा है जैक फ्रेजर मैकगर्क, तो यह DC के खिलाड़ी हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क, इनको इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब मिला। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर, यह पुरस्कार अवार्ड जो मिला हुआ सुनील नारायण, यानी कि KKR के खिलाड़ी को मिला, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सुनील नारायण को मिला है अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर का खिताब, यानी कि प्राइज मिल गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कैच ऑफ द सीजन, सबसे बढ़िया कैच, सबसे बेस्ट कैच कौन लिया, तो यह लिए हैं रमनदीप सिंह, जो कि KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स का खिलाड़ी हैं रमनदीप सिंह, ये इस सीजन का सबसे बेहतरीन कैच लिए हैं, तो इसीलिए इनको मिला है कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो हाईएस्ट स्कोर कौन बनाया है, तो ये बना है मार्क स्टोइनिस, जो कि LSG यानी कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने CSK के खिलाफ बनाए थे 124 रन, जो इस सीजन का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, तो ये मार्क स्टोइनिस के द्वारा बनाया गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 124 रन, 124 रन। लॉन्गेस्ट सिक्स, जो सबसे लंबा छक्का इस सीजन को जो बना है हुआ है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि CSK खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने टोटल 100 मीटर का छक्का लगाया था हुआ भी RCB के खिलाफ, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मोस्ट 100 की बात करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा शतक कौन बनाए, तो वह जोस बटलर बनाए, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने टोटल 2 शतक बनाए इस सीजन में, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि मोस्ट 100 जो बनाए वह जोस बटलर, 2 को बनाए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। मोस्ट कैचेस की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कैच कौन लिए हैं, तो यह लिए हैं अक्षर पटेल, जो कि DC के खिलाड़ी हैं, टोटल 14 कैचेस लिया, यानी कि 14 कैच लेकर के अक्षर पटेल मोस्ट कैचेस का खिताब जीत लिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेस्ट बैटिंग एवरेज, यानी बैटिंग एवरेज में सबसे अच्छा बैटिंग एवरेज किसका रहा, तो वह रहा निकोलस पूरन का, जो कि LSG यानी कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाड़ी हैं, और इनका जो एवरेज रहा हुआ 64.37, यह इनका बैटिंग एवरेज रहा निकोलस पूरन का। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं, सबसे अच्छा बॉलिंग इस बार कौन किए, तो वह किए संदीप शर्मा, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं संदीप शर्मा, और इन्होंने 5 विकेट 18 रन देकर के लिए, वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो ये बेस्ट बॉलिंग का फिगर रहा इस बार संदीप शर्मा का, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रहे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टीम फेयर प्ले अवार्ड, यानी कि सबसे अच्छी टीम जो कि बहुत ही फेयर तरीके से क्रिकेट खेली, IPL खेली, तो वह रहा SRH यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद को यह टीम फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। दोस्तों इस IPL में सबसे ज़्यादा चौके छक्के बने ही, तो कितना कितना बने उसको भी देखते हैं, तो टोटल फोर्स यानी टोटल चौके कितने लगे, तो ये लगे 2174 यानी 2174 चौके लगे। छक्कों की बात करते हैं, सिक्सेस की बात करते हैं, तो यह 1260 यानी कि 1260 को छक्का टोटल लगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मोस्ट बाउंड्रीज की बात करेंगे तो यह टोटल 100 बाउंड्रीज मारा गया, और यह जो है विराट कोहली के द्वारा लगाया गया, तो यह इंडिविजुअल अगर बात करते हैं हम लोग कि मोस्ट बाउंड्रीज जिसमें से चौके और छक्के जो दोनों मिला करके बाउंड्रीज गिना जाता है, तो इसमें से जो है 100 चौके और छक्के मिला करके मारे हैं विराट कोहली ने, तो ये मोस्ट बाउंड्रीज का खिताब जो है वह विराट कोहली के द्वारा हुआ है। मोस्ट चौका यानी सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए हैं, तो 64 को चौका लगाया गया इंडिविजुअल के द्वारा, और वह थे ट्रेविस हेड, जो कि SRH के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 14 इनिंग्स में यह 64 चौके यानी कि बनाए हैं। मोस्ट सिक्सेस की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा छक्के कौन लगाए हैं, तो यह 42 सिक्सेस जो है मारे हैं उन्होंने मारा है अभिषेक शर्मा, जो कि SRH के ही खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 15 इनिंग्स में 42 छक्के यानी कि 42 सिक्सेस लगाए हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इस IPL में सबसे ज़्यादा शतक जो है वह लगा 14 यानी कि 1400 लगे हैं इस IPL में, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं।
दोस्तों पिच प्लस ग्राउंड अवार्ड, पिच और ग्राउंड का जो अवार्ड दिया गया वह हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को मिला, यानी कि हैदराबाद को दिया गया यह कि वहाँ का जो पिच है और साथ ही साथ में जो ग्राउंड है वह बेहतरीन रहा, बहुत ही अच्छा रहा, तो इसके लिए अवार्ड दिया गया हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों को, एक एक सारी चीज़ें जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग इसको याद भी करेंगे अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं दोस्तों, विनर जो रहा वह कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर रहा, और इनको जो दिया गया प्राइज हुआ 20 करोड़ रुपये और साथ साथ कप मिला, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विनर जो रहा यानी कि विजेता वह तो कोलकाता नाइट राइडर्स रहा ही है, आप लोगों को ध्यान रखना ही है। रनर अप की जो बात करें तो वह सनराइजर्स हैदराबाद जो कि SRH, और इनको मिला 13 करोड़ रुपये, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। रनर अप जो रहे सनराइजर्स हैदराबाद, उनको 13 करोड़ रुपये मिले। दोस्तों इस सीजन यानी कि IPL 2024 का जो है प्लेयर ऑफ द सीजन या टूर्नामेंट जो रहे वह रहे सुनील नारायण जो कि KKR के खिलाड़ी हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो प्लेयर ऑफ द सीजन यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा IPL 2024 के वह रहे सुनील नारायण KKR के, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, देखेंगे, हो सकता है यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन जाए टाटा IPL 2024 से रिलेटेड। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, साथ ही साथ में विनर, रनर अप और इनके अलावा जो भी चीज़ें मैंने यहाँ बताया उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है।